For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'm Dr. Zarqa and I'm really glad to meet all of you today. I'm a gold medalist from Punjab University. I was the best graduate of my year. And after that, I have three specialties. Currently, I'm a consultant in aesthetic dermatology. I run three clinics in Lahore. And when I came back from the Middle East, my aim is to give the kind of service to my clients, the kind of service that I would like to get. So we believe in competence. We believe in giving you quality. We believe that the services must be affordable. You must get an honest service, and at the end of it, you must be satisfied. So pay us a visit and figure out whether we do fall on those five values of ours. So my areas of interest, my signature work is I make you beautiful, your face particularly. Usko main balance mein leke aati hu. I use Botox, I use fillers, and I use threads and then lasers to give you a beautiful face, the best that you can have, including your neck and your hair. Aur nose bhi meri ek bahut khas specialty hai ki mote nose ko kaise khubsurat karna hai. Aur of course the eyelids, the sagging of the eyelids, usko bhi non-surgical is my signature, and your dark circles as well. जी, एक्नी बेसिकली यंग लोगों की बीमारी है और अगर अमूमन 13 साल की उम्र से लेकर 35 साल तक ये रहती है. बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है और आजकल बच्चों को ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसमें हार्मोन्स होते हैं. मसलन चिकन है, दूध है, इनमें बहुत से हार्मोन्स होते हैं जो जब हमारे जिस्म में जाते हैं तो ख़ासतौर पे बच्चियों के मुंह पे बाल भी निकल आते हैं, एक्नी भी हो जाती है, वज़न भी बढ़ जाता है, सर के बाल गिरने शुरू हो जाते हैं. तो ये सब वो मेल हार्मोन्स जो खाने के ज़रिए हमारे जिस्म में आते हैं उनकी वजह से फिर एक्नी बढ़ती है. लाइफस्टाइल में हम क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं जिनसे एक्नी कम हो, उनमें सबसे पहले तो ये कि पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल. हम लोग अब पानी नहीं पीते, पानी कम से कम 10 से 12 गिलास डेली पीने चाहिए. और उसके साथ ये कि ज़्यादा ऑयली फूड्स को अवॉइड करना चाहिए. चिकन, दूध और बाज़ार के खाने, यानी उसमें पिज़्ज़ा, बर्गर, मेयोनीज़, केचप, फिजी ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं, इनको आप जितना कम रखेंगे आपके लिए अच्छा है. आपकी खुराक सब्ज़ियाँ ज़्यादा होनी चाहिए, कच्ची और उबली हुई. फल खाना चाहिए, दालें खाएं, गोश्त खाएं और बहुत सारा पानी पिएं. तो और एक्सरसाइज, आई कैन नॉट अंडरस्कोर कि एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 15 से 20 मिनट की डेली वर्जिश करेंगे तो आपके बहुत से मसले जो टॉक्सिन्स जिस्म में आते हैं जो खाने के थ्रू आते हैं वो पसीने के ज़रिए बाहर निकलते हैं. और एक्सरसाइज यूजली टीनेजर्स में डिप्रेशन भी थोड़ा होता है फिजिकल अपीयरेंस का, तो एक्सरसाइज मेक्स यू फील गुड बिकॉज उससे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं. सो प्रॉपर डाइट, लॉट्स ऑफ वाटर एंड एक्सरसाइज, अगर ये तीन चीज़ें आप करेंगे तो आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे. एक्नी में आपने स्किन की केयर कैसी करनी है, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिन लोगों को एक्नी होती है ज़रूरी नहीं है कि उनकी स्किन भी ऑयली हो. कुछ लोगों की स्किन ड्राई भी होती है, कुछ लोगों की कॉम्बिनेशन होती है और चंद एक लोगों की ऑयली होती है. तो एक्नी वाली स्किन, एक्नी हमेशा ऑयली स्किन पर तो होती है, मगर अगर आपकी स्किन ड्राई है और आप ड्राइनेस को मैनेज नहीं कर रहे तो एक्नी और ज़्यादा होती है. इसलिए अमूमन लोगों को सर्दियों में भड़कती है एक्नी. सो एक्नी की क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है. आप सुबह और शाम ज़रूर किसी क्लेंज़र से या किसी साबुन से, साबुन जनरली ज़्यादा स्किन को ड्राई करती है इसलिए हम लिक्विड क्लेंज़र्स को पसंद करते हैं. और उसके साथ ये कि बहुत से देसी घरेलू टोटके भी होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि जिससे आप अपनी एक्नी और अपने फेस को ग्लोइंग रख सकते हैं. एक बहुत फेवरेट मेरी नानी हम सब से करवाया करती थी, तो वो आपको बताती हूँ. बड़े मज़े की चीज़ है. आपने क्या करना है कि आपने आधा चम्मच आपने लेना है मलाई, मलाई जो दूध, अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप दही भी ले सकते हैं. अगर स्पेशली अगर स्किन ज़्यादा ऑयली है तो दही इज़ वेरी गुड. अगर ड्राई स्किन है तो आप मलाई ले लें आधा चम्मच. उसके बीच में आप गूंधा हुआ आटा
वो भी उसी मिकदार में, यानी कि इतना एक गूंदा हुआ आटा, और वो बलाई या दही उसके साथ आप गूंदे हुए आटे को हाथ में मिक्स करें, वो एक लेवी सी बन जाएगी, उसको अपने फेस पे लगाएं। इसके बीच में अब क्या हो जाता है कि इसमें लैक्टिक एसिड आ जाता है, बलाई वाले में भी और जो है दही वाला। दही वाला स्पेशली गुड फॉर ऑयली स्किन और बलाई वाला फॉर ड्राई स्किन। इसको जब आप लगाएंगे और आप इसको मलेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक लैक्टिक एसिड पील जैसी रिजल्ट आएगा इसका, और जब ये आप इसको मलेंगे तो फिर वो गोलियां बन के उतरेगा। आप देखेंगे कि आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी, पोर्स में से गम निकल जाएगा। उसके बाद आप पानी से फेस को धो लीजिए और बड़े ज़बरदस्त ग्लोइंग स्किन आपकी निकलेगी। पुराने वक्तों में तो बड़े लोगों के बाल गिरते थे, अब तो सब यंग लड़कियों के बाल गिर रहे हैं और गंजी हो रही हैं लड़कियां। तो क्यों हो रही हैं? क्यों के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि जो हार्मोन वाले खाने हैं, ख़ासतौर पे मुर्गी और दूध, इनको आपने अवॉइड करना है। दूध की जगह अगर आपने लेना है तो आप योगर्ट ले लें, दैट इज़ मच बेटर। अच्छा, और तीसरी जो सबसे कॉमन कॉज है हमारे मुल्क में, तीसरा कॉमन कॉज, वो ये है आयरन डेफिशिएंसी। क्योंकि ये बाल काले होते ही आयरन से हैं, और लड़कियों की ब्लीडिंग होती है या वो खुराक नहीं खाती या पतला होने के शौक में भूखी रहती हैं, तो आपके जिस्म में अगर आपका आयरन कम है, हीमोग्लोबिन लो है, तो आपके बाल गिरेंगे, कमज़ोर होंगे और नशोनुमा उनकी अच्छी नहीं होगी। सो एक तो ये बात है, तो अपनी आयरन को चेक कराइए, उसको ठीक कराइए। दूसरा ये कि आपके बालों को डेली एटलीस्ट वंस अ वीक आप तेल ज़रूर लगाएं, थोड़ी सी मसाज करनी बहुत अच्छी है। अच्छा मुस्तनद शैम्पू इस्तेमाल कीजिए, और जो ये ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ ऐसे शैम्पू भी होते हैं जो आप बाज़ार से ख़रीद लेते हैं और उसके बाद आपके बाल सारे गिर जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और पानी, साबुन हमेशा थोड़ा लगाएं बालों में, ज़्यादा शैम्पू की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल थोड़ा सा लगाएं। और शैम्पू के बाद रिंस अच्छी तरह से करें, यानी जो आपने साबुन को निकालने के लिए खूब सारा पानी डालें, क्योंकि वो जो दवा जो उसके बीच में केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो अच्छे नहीं होते। वैसे बहुत से लोग आंवले और रीठे का भी घर पे बना लेते हैं। देखिए, जो बाज़ार से मिलते हैं उनके अंदर आंवला रीठा कितना है मुझे नहीं पता, अगर आप घर पे खुद बना सकते हैं स्क्रैच से तो दैट इज़ गुड। सो मसाज, डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, और अगर आपकी हॉर्मोन्स आपके खाने में आ रहे हैं तो उनको आप कम करें। हाइड्राफेशियल बेसिकली एक क्लेंजिंग प्रोसीजर है, और लेकिन इसमें एडिशनल, क्योंकि जब आप खाली फेशियल कराते हैं तो वो क्लेंजिंग, फेशियल जो कॉमन पार्लर्स में होता है उसका फंक्शन है क्लेंजिंग करना, हाइड्राफेशियल उससे इस तरह से बेहतर है कि ये हाइड्रेट भी करता है आपकी स्किन को, पानी भी डालता है। सो पहले साफ़ करते हैं, अगर इसका प्रॉपर स्टेज इसकी फॉलो की जाए तो पहले क्लेंजिंग होनी चाहिए क्रीम से, उसके बाद कोई माइक्रोडर्म या कोई ऐसी प्रोसीजर जिससे आपकी स्किन के डेड सेल्स उतरें, और उसके बाद हाइड्रेशन हो, वो वाटर जो स्पेशल ट्रीटेड वाटर होता है उससे, तो उससे आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट होती है और खूबसूरत हो जाती है, ग्लो करती है। सो दैट इज़ व्हाई हाइड्राफेशियल्स आर पॉपुलर, और क्योंकि इनसे इनका कोई डाउन टाइम नहीं होता, कोई रेडनेस नहीं होती आपको, कोई आपकी एलर्जीज नहीं होती। लेकिन इसमें हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो आपका हाइड्राफेशियल कर रहे हैं वो आपकी टिप को प्रॉपरली आपकी नई टिप हो, ताकि आपको उससे एक्नी ना हो। क्योंकि हाइड्राफेशियल के बाद जो प्रॉब्लम लोगों को अमूमन आती है वो ये होती है कि उनको एक्नी हो जाती है, या अगर उनको एक्नी हो तो वो छिड़ जाती है 10-12 दिन के बाद। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाइजीन हाइड्राफेशियल की बहुत अच्छी हो, और आप भी उसके बाद अपनी स्किन को प्रॉपरली केयर करें। सो अनइवन स्किन टोन बेसिकली एजिंग का एक साइन है, और क्योंकि चेहरे पे जितने भी सेल्स हैं, हमारी स्किन हर 25 दिन नए सेल्स आते हैं, यानी सांप की तरह स्किन उतरती है, नई स्किन आती है, लेकिन मुख्तलिफ पार्ट जो हैं फेस के वो एक ही स्पीड पे नहीं मूव करते। तो सेंट्रल एरिया जो है वो ज़्यादा जल्दी चेंज होते हैं सेल, साइडों के सेल्स जो हैं वो स्लोली होते हैं, इसलिए अमूमन लोगों का माथा या ये वाला एरिया या साइड्स डार्क हो जाती हैं थोड़ी सी स्किन की। तो ये इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको रोज़ाना फेस की थोड़ी सी
मसाज, किसी भी माइल्ड सी क्रीम से, अगर आपने घरेलू कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है तो गुलाब का अर्क और ग्लिसरीन बड़ा अच्छा, गुलाब का अर्क, ग्लिसरीन और लीमू का रस, ये भी मेरी नानी का टोटका है, बड़े मज़े का है, तो ये आप मिक्स करके रख सकते हैं और वो लगा सकते हैं। बट बेसिकली मसाज एंड देन ऑफकोर्स एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट वे टू कीप योर स्किन इन टू प्रिवेंट द अनइवन टोन, क्योंकि उससे आपकी सर्कुलेशन बढ़ती है और फेस के जो सेल्स हैं वो टर्न ओवर बहुत फास्ट होते हैं। लेज़र हेयर रिमूवल पिछले 30 साल से हो रहा है, लोग अमूमन डरते हैं कि ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, तो मैं हमेशा ये समझाती हूँ कि देखिए, अगर आप किसी मुस्तनद जगह पे जाएंगे, मुस्तनद डॉक्टर, मुस्तनद मशीन, और आपको हमेशा कहीं जाने से पहले ये चेक करना चाहिए कि उनके बाकी क्लाइंट्स क्या उनसे खुश हैं। ऐसे ही आप ब्लाइंडली ना चले जाएँ जो डॉक्टर हैं, और डॉक्टर वाली जगह पर जाएँ जहाँ पर कोई डॉक्टर हो जो रिस्पॉन्सिबल हो आपकी स्किन की केयर के लिए, क्योंकि आजकल गली गली खुल गए हैं लेज़र हेयर रिमूवल, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके साथ ज्यादती ना हो। सो मशीन, डॉक्टर एंड द प्रोसीजर, ऑल थ्री आर इम्पॉर्टेंट। रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन जहाँ ज़बरदस्त हैं अगर आप गलत जगह से करवाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फेयरनेस क्रीम्स के ऊपर मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मैं ख़ुद पाकिस्तानी हूँ, लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी क्रीम्स हैं उनके बीच में उसके बीच में अज्जा होते हैं जिनमें अमूमन स्टीरोइड्स और मर्क्यूरी होती है, जो क्रीम के ऊपर नहीं लिखा होता कि इसके अंदर ये है। मैंने बहुत से डॉक्टरों की प्रिस्क्रिप्शंस देखी हैं, उनको भी पता नहीं होता, वो अपने पेशेंट्स को देते हैं और उसके बाद वो पेशेंट्स चार दिन में उनका रंग तो अच्छा हो जाता है, लेकिन उसके बाद चेहरे पे बाल निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं, छाइयाँ पड़ जाती हैं और स्किन हमेशा हमेशा के लिए पतली हो जाती है। सो स्टीरोइड्स जो कि बेटनोविट में भी है, जो लोग बड़े शौक से घर में रखते हैं कि जब कुछ मसला हुआ, ये चीज़ें फेस पे लगाने के लिए जहर है, तो प्लीज़ इनका इस्तेमाल ना कीजिए। वो जो चार क्रीमें मिक्स करके आप लगाते हैं, प्लीज़ वो भी ना लगाएं, क्योंकि उनमें बहुत से मुज़िर असरात हैं और वो फिर आपकी खूबसूरत स्किन ख़राब हो जाती है। 18 साल की लड़की को तो किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं है, इवन 40 साल की औरत को ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आप पानी पी रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, यू डोंट नीड एनी क्रीम्स। अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक करानी है तो आप मरहम के थ्रू हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी मरहम के थ्रू, और फिर वील गेट टुगेदर एंड होपफुली यू विल लर्न टू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन फॉर द लॉन्ग टर्म।